उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसे का मामला सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित निजी बस चालक की लापरवाही के चलते बस पलट गई। हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया है। बताते चले कि बस में 54 यात्री सवार थे, जिसमें 17 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बस उत्तराखंड के रामनगर से मुरादाबाद जा रही, तभी चालक की लापरवाही के चलते अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार के कारण बस पलट गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस में सवार सभी घायल यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं फरार बस चालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला कोतवाली ठाकुर द्वारा इलाके के मुरादाबाद हाईवे का बताया जा रहा है, जहाँ एक बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। मुरादाबाद से संवाददाता सवाले हसन सिद्दीकी की रिपोर्ट। संजय कुमार नाम है मेरा। हादसा बस पलट गई, एकदम तेज भगाई। उनने गर्जिया गए थे घूमने के लिए बच्चों को लेकर। चमरपुरा गांव में कोई काशीपुर रोड पे। बस में कितने यात्री थे? लग फुल थी पूरी, 60 यात्री थे कम से कम। घायल कम से कम 35 आदमी घायल होंगे। गर्जिया से घूम कर आ रहे थे, आज ही गए थे सुबह। डिप्टीगंज गंभीर भी आई है चोटे बहुत लोगों के। ठाकुर द्वारा अस्पताल में है, वहाँ से रेफर करा उन्होंने यहाँ मुरादाबाद के लिए। ये भी आई अभी एम्बुलेंस से, मैं भी इन्हें लेकर आया हूँ। हाँ, आज समय करीब 7:30 बजे एक बस रामनगर से मुरादाबाद जा रही थी, जिसकी बस संख्या UP-21CN-3125 है, जिसमें करीब 50 सवारी थी, जो ठाकुर द्वारे से मुरादाबाद जाने वाले रास्ते पर पोलादपुर के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें करीब 17 व्यक्ति घायल हुए। घायलों को उपचार हेतु तुरंत प्राथमिक चिकित्सालय भिजवाया गया। कोई व्यक्ति गंभीर या हताहत नहीं है। अन्य सवारियों को भी मुरादाबाद उनके गंतव्य स्थान पर भिजवा दिया गया है और ड्राइवर के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है।